गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अ पैरेललोग्राम इज इमर्ज्ड इन वाटर, वन साइड बीइंग इन सरफेस। पैरेललोग्राम की एक साइड जो है वो सरफेस पे है। डिवाइडेड इनटू एन पार्ट्स, पैरेललोग्राम को एन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो दैट थ्रस्ट ऑन दीज पार्ट्स में बी इक्वल, की हर पार्ट पे थ्रस्ट जो है वो इक्वल है। शो दैट डेप्थ ऑफ द डिवाइडिंग लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें क्या शो करना है कि जो डिवाइडिंग लाइन्स की डेप्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वेयर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये देखो, ये आपका पैरेललोग्राम, इसको हमने डिवाइड किया है एन स्ट्रिप्स में और हर स्ट्रिप पे जो हमारा प्रेशर है वो इक्वल है। डेप्थ हमने बता रखी है फ्रॉम फ्री सरफेस, जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसकी डेप्थ फ्री सरफेस से H1, सेकंड की H2, फिर H3 अप टू सो ऑन HN। ये हमारी जो बीच में EFGH शो की हुई है, दिस इज द ith स्ट्रिप। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम ऑफ साइड्स A एंड B, H बी द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज A इनटू H एंड डेप्थ ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज H/2, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करती है, उसके सेंटर पे लाई करती है। टोटल हाइट H है तो कहाँ लाई करेगी, H/2 पे। सो प्रेशर ऑन द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू रो G इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी H/2 इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AH, मींस हाफ रो G AH स्क्वायर। नाउ डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू n स्ट्रिप्स एंड कंसीडर द ith स्ट्रिप EFGH। हमने स्ट्रिप कंसीडर की। नाउ प्रेशर ऑन दिस ith स्ट्रिप इज इक्वल टू 1/ith ऑफ द प्रेशर ऑन द होल पैरेललोग्राम। सॉरी, ये तो 1/n हो जाएगा होल पैरेललोग्राम का तो, लेकिन हमने जो पैरेललोग्राम कंसीडर, वो कौन सा कंसीडर किया, ABGH कंसीडर किया होगा इसमें। ABGH जो ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में हमने इस पैरेललोग्राम को हमने i स्ट्रिप्स में डिवाइड किया ना, यहाँ से यहाँ तक तो हमने, है ना, तो और हर स्ट्रिप पे जो हमारा प्रेशर है वो इक्वल है। तो ये जो स्ट्रिप है इस पे प्रेशर किसके इक्वल होगा, 1/i ऑफ द प्रेशर ऑफ द पैरेललोग्राम ABGH। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो ABGH पैरेललोग्राम बन रहा है उसकी हाइट फ्री सरफेस से कितनी हाइट पे है, वो HI, डेप्थ जो है वो HI है। तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो कहाँ लाई करेगा, HI/2 पे। तो 1/i रो जी HI/2 इंटू एरिया, इसका एरिया A इंटू HI। ठीक है, वेयर HI इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ABGH। बट प्रेशर ऑन ईच स्ट्रिप, हर स्ट्रिप पे प्रेशर किसके इक्वल है, 1/nth ऑफ द प्रेशर ऑन द पैरेललोग्राम ABCD। हमें इस पे पैरेललोग्राम का पे प्रेशर पता है टोटल पैरेललोग्राम पे, तो 1/n। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेटिंग द प्रेशर ऑब्टेंड इन इक्वेशन 2 and 3, ये हमारा ith स्ट्रिप पे प्रेशर आया हुआ है और हर स्ट्रिप पे प्रेशर जो है वो इसके इक्वल हम बता रहे हैं। हमने कहा था ना कि हर एक पे इक्वल है, तो ith स्ट्रिप पे भी जो प्रेशर होगा वो इसके इक्वल है। यहाँ से हमने HI स्क्वायर निकाला है एंड देन वी कैलकुलेट HI। तो हम देख रहे हैं कि H1, H2, H3 की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। H1 1/√n, H2 हमारा √2, H/√n, सॉरी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये H/√n तो हर एक में कॉमन चल ही रहा है आपका, तो प्रोपोर्शनल किसके है, 1√2, √3, √4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। अ होलो वेटलेस सिलेंडर फिल्ड विद वाटर इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ इट्स प्लेन एंड। जो होलो वेटलेस सिलेंडर है वो वाटर से फिल है और उसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया है किस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ इट्स प्लेन एंड। If the height of the cylinder is twice the radius of the circular ends, जो सिलेंडर की हाइट है वो इसके सर्कुलर एंड्स की जो रेडियस है उसका twice है, तो हमें क्या शो करना है, thrust on the ends are in this ratio, means जो अपर और लोअर एंड पे जो thrust है उनकी रेशियो हमने दिखानी है 3:1 है। ये देखो, ये हमने सिलेंडर शो किया हुआ है, दिस इज द सिलेंडर। ये जो रिम पे का कोई एक पॉइंट ए कंसिडर किया, वहां से हमने इसको फ्रीली हैंग किया हुआ है इस सिलेंडर को, एंड दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद वॉटर एंड दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 times द रेडियस ऑफ द एंड। मीन्स अगर ए ओ, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेन बेस, इसकी रेडियस है, तो इसकी जो हाइट होगी वो इसका क्या होगा, 2r, twice of this, means OO dash, जो height of the cylinder है वो क्या है हमारी, OO dash, this is equal to 2 times of r. ठीक है, O and O dash, these are the centers of the plane base, G is the center है, आपका G center किसका है, जो ये height है cylinder की उसका, और G is the point intersecting the this vertical line, ये जो हमने draw की हुई है vertical axis AD, और जो ये point OO, जो cylinder की axis है OO dash, उसको जो जहाँ ये intersect कर रहा है उस point को हमने किससे denote किया हुआ है, this point is G, this is the center of gravity. ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका जी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना है अपर और लोअर एंड पे, तो ये हमारा अपर एंड है, ये
और ये हमारा सीढ़ी जो है ये हमारा लोअर एंड है. तो थर्स्ट ऑन दिस अपर एंड, इस अपर एंड पे हम थर्स्ट की बात कर रहे हैं. तो रो जी इंटू एच, एच इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो जो आपको पता है कि जो ये हमारा सर्कल है, जो ये हमारा प्लेन एंड है, दिस इज द सर्कुलर एंड, सर्कल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा. तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ओ एल, तो इसकी जो डेप्थ है वो क्या होगी, एच मीन्स depth of the center of gravity from the free surface is OL and into area of this circle, circle की radius r है, तो area क्या हो गया pi r square. अब हमें यहाँ से calculate क्या करना है, we have to calculate this OL. OL calculate करने के लिए now see this triangle OLA, इस triangle में ये perpendicular है, तो ये angle तो हमारा 90 degree है. अब ये angle हम कह रहे हैं बाकी angle इसके 45 degree के हैं. वो angles जो हैं वो 45 डिग्री के कैसे हैं, ये देखो जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ की हुई है AD, और ये OA क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेन बेस, एंड AD दिस इज ये जो हमारा AD है, और ये जो हमारा OG है, दिस इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मीन्स OG इज आल्सो R, OA इज R. इफ OA R एंड OG R, देन दीज टू एंगल्स आर इक्वल. कौन सा एंगल, OAG एंड OGA, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज एंगल्स आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल होंगे. और ये एंगल हमें आपको पता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जो है विच एंगल ए ओ जी, दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है. एंड वी नो द रिजल्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, के बीच में. तो जो लाइन ए जी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ए एल लाइन, और जो ये हमारी लाइन है ये दिस लाइन, इस पे भी ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पे, OG पे, ये AOB वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो दिस एंगल्स इन ट्राइंगल ALO में भी ये एंगल जो है हमारा, दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो हमने यहाँ से रिजल्ट यूज किया, तो यहाँ से हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर ली, OL की. OL क्या आ गया, OL इज इक्वल टू OA इंटू साइन 45, और OA क्या है हमारा, R है. यहाँ जस्ट हमने वैल्यू पुट की, ऐसे ही हमने थर्स्ट कैलकुलेट करना है लोअर एंड पे, इस पे, इस लोअर एंड पे. तो ये क्या हो जाएगा, रो जी, और इसकी हाइट कितनी है फ्री सरफेस से, ओ डैश एम इंटू एरिया ऑफ दिस सर्कल पाई आर स्क्वायर. और ओ डैश एम को हमने ब्रेक किया इस जी के पैरेलल, हमने एक पॉइंट के कंसिडर किया है, तो ओ डैश एम को हमने ब्रेक किया ओ डैश के और के एम में. तो के एम तो किसके इक्वल है, ए जी के ही इक्वल है. और जो ये हमारा ओ डैश के है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ओ डैश के की, और वो इस ट्राइंगल से यहाँ से ओ डैश के की वैल्यू क्या आ रही है, आर कोस 45 आ रही है, ठीक है. और जो हमारा के एम, ये जो हमारा के एम है, के एम का मतलब जी ए है ना, और इस ट्राइंगल में जी ओ ए, इस ट्राइंगल में जो हमारा जी ए है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. और ये हमारा ओ जी और ओ ए क्या है, आर है दोनों ही, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो के एम स्क्वायर है हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स के एम क्या हो गया, टू आर स्क्वायर उसका अंडर रूट. जस्ट वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने रेशियो कैलकुलेट की अपर और लोअर एंड की, तो वो क्या आ गई, 1:3 आ गई. ऐसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कोन फुल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड विद इट्स साइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. जो हमने कोन प्लेस किया है वो वाटर से फुल है, और हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि उसकी एक साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे है. शो क्या करना है कि थर्स्ट ऑन इट्स बेस इज 3 साइन अल्फा टाइम्स द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड, वेयर 2 अल्फा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ द कौन. हमने थर्स्ट निकालना है इसके बेस पे, और वो कितना आना चाहिए, 3 साइन अल्फा टाइम्स द वेट ऑफ द कंटेंट लिक्विड. अब दिस इज द बेस, सॉरी, वन साइड ऑफ द कोन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस पॉइंट इज वी, दिस पॉइंट इज सी, ये हमारा ए बी, दिस इज द प्लेन बेस ए बी, जिस पे हमने थर्स्ट कैलकुलेट करना है. दिस वर्टिकल एंगल इज 2 अल्फा, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है, मीन्स ये इनको डिवाइड कर रही है एंगल को, सेमी वर्टिकल एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा. Now we draw a perpendicular CL on the horizontal, A से जो horizontal line draw की है उस पर हमने perpendicular draw किया हुआ है CL, ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, AC हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है, which is equal to H tan alpha, because this angle is alpha, ये angle alpha है, तो ये angle भी आपका क्या बन रहा है, alpha. तो इस triangle में, और ये angle आपका कितना है, 90 degree है, तो इस triangle में आपकी ACL triangle में जो AC side है वो कितनी आ गई, H tan alpha. Now area of the base of the cone, इसका area calculate किया, area कितना होता है, pi r square, because this is a circle, तो pi और r AC, इसमें जो इसकी radius है ना, ये AC, ये में calculate करनी थी, तो इसकी value हमने calculate की, h tan alpha, तो means pi
और इसका स्क्वायर आर का. नाउ डेप्थ ऑफ सी फ्रॉम द सी की डेप्थ मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी डेप्थ फ्रॉम द दिस बेस सॉरी दिस हॉरिजॉन्टल. तो ये आपकी जो डेप्थ है दिस इज द सी एल. तो यहाँ से सी एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी ए कोस अल्फा. ठीक है और सी ए की वैल्यू एच टेन अल्फा ये हमने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा रखी है ट्राइंगल बी सी ए में. नाउ प्रेशर ऑन द बेस. प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है बेस प्रेशर कितना होगा रो जी इंटू हाइट मीन्स डेप्थ सी एल. सी एल की वैल्यू डाल दी सी ए कोस अल्फा इंटू एरिया और एरिया कितना है प्लेन बेस का पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा. नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन. कोन का वॉल्यूम वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच. तो आर की वैल्यू डाल दी एच टेन अल्फा स्क्वायर इंटू एच. नाउ वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन इट. वेट का फॉर्मूला लगाया हमने रो जी वी बिकॉज रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो एम इंटू जी वेट ही बच गया ना. तो रो जी इंटू वॉल्यूम. ये जो लिक्विड है किसमें कंटेंट है कोन में. तो जो वॉल्यूम आएगा किसका आएगा कोन का वॉल्यूम. तो नाउ प्रेशर ऑन द बेस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द लिक्विड. बेस पे जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपॉन वेट ऑफ द लिक्विड. जस्ट हमने वैल्यूज पुट किए. ये स्टूडेंट्स ओ नहीं ये सी ए है. सी ए इज इक्वल टू ए सी हमने निकाला था ना एच टेन अल्फा है ये. ठीक है ओके स्टूडेंट्स बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेना.